हेलो फ्रेंड्स, आज मैं बनाने जा रही हूँ एक बिल्कुल सिंपल थाली जिसमें दाल, चावल और सब्जी होगी। देखते हैं कैसे बनाती हूँ मैं सारी दाल, चावल और सब्जी। दाल अरहर के लिए है। ये बहुत ही हल्की दाल होती है, बहुत अच्छी बनती है। इसको बनाने का तरीका मैं आपको अपने ब्लॉग में दिखाती हूँ कैसे बनाते हैं ये दाल। मैंने दाल को धो लिया, गैस पे कुकर चढ़ा लिया, इसमें 2.5 कप मैंने पानी डाल दिया। आप जैसे दाल बनाते हो वैसे बनाएंगे। इसमें हम दाल डाल देंगे। इसमें हमने नमक हल्दी डाल दिया है। अब इसमें हम थोड़ा सा दरदरा पिसा हुआ लहसुन डाल देंगे, इससे थोड़ा सा दाल का टेस्ट चेंज हो जाता है। अब कुकर को बंद कर देंगे। इसके हम 4 या 3 सीटियां लगवाएंगे जिससे ये दाल जल्दी गल जाती है। देखिए हमारी दाल बनके तैयार हो गई है। ये सिर्फ 3 और 4 सीटियों में बनी है, बिल्कुल तैयार होके रेडी हो गई। अब हम इसको थोड़ा सा हल्का सा ही तड़का लगाएंगे, ज़्यादा नहीं लगाएंगे, बिल्कुल ही सिंपल तरीके का तड़का लगाएंगे। हमने पैन में तेल गर्म करने को रख दिया है। ये दाल बहुत ही हल्की होती है, बहुत सिंपल होती है। ये जो थाली मैं आज बना रही हूँ ये बहुत सिंपल थाली होती है, बहुत ही कम मसालों में और बहुत ही सिंपल तरीके से बनती है। ये खाने में उतनी ही सिंपल होती है जितना ये बनने में सिंपल होती है। ये शरीर के लिए हल्की होती है थाली पूरी। ये ज़्यादा वेट नहीं होता इसमें खाने में। ये बहुत ही कम कैलोरीज वाला लंच होता है। आप जब भी बनाएं यही सोच के बनाएं कि इसमें कम कैलोरी है, ज़्यादा कैलोरीज वाला खाना नहीं है, ये बिल्कुल हल्का और सिंपल खाना है। ये मैंने तड़के में प्याज और हरी मिर्च डाल दी है, और कुछ नहीं डाला, प्याज और हरी मिर्च डाल दी है। अब ये तड़का हमारा ब्राउन हो जाएगा तो इसमें हम हल्के से छोटा सा टमाटर काट कर डाल देंगे। तड़का ब्राउन हो गया, अब इसमें हम टमाटर डाल देंगे। ये दाल हम सांभर में भी यूज़ करते हैं बनाने के लिए। इसमें मैंने मसाले डाल दिए, मसाले बिल्कुल ही कम क्वांटिटी में डाले हैं, ज़्यादा नहीं डाले क्योंकि ये दाल बहुत ही सिंपल है, इसीलिए इसमें थोड़े से मसाले, जैसे नमक हमने पहले ही ऐड कर दिया था, फिर हल्दी भी ऐड कर दी थी, सिर्फ इसमें मैंने काली मिर्च और थोड़ी सी लाल मिर्च ऐड की है और कुछ नहीं किया। ये हमारा दाल बन तड़का लग गया है, इसको हम दाल में डाल देंगे, हमारा दाल तड़का भी तैयार हो जाएगा। ये हमने दाल डाल दिया तड़के में, ये हमारी दाल फ्राई हो गई है, आप देख सकते हो। ज़्यादा मसालेदार दाल नहीं है, ये बिल्कुल ही सिंपल दाल बनी है। इधर मैंने चावल बना लिए, चावलों का मैंने पानी निकाला है, इसको तड़के से जीरे का तड़का नहीं लगाया। ये सिंपल दाल चावल बनाए हैं मैंने, ये चावल हल्के होते हैं खाने में। इधर मैंने कढ़ाई चढ़ा ली है, इसमें मैंने बच्चों के लिए थोड़े से आलू बनाऊंगी जो बड़े भी खा सकते हैं। ये बहुत ही सिंपल आलू होते हैं, इसमें ज़्यादा मसाले नहीं होते। जो बच्चे करारी सब्जी नहीं खाते उनके लिए ये आलू की सब्जी बिल्कुल ही ठीक है। ये हमारी देसी थाली बनकर तैयार हो गई है, देखिए कितनी अच्छी लग रही है। बहुत ही कम कैलोरी वाला और बहुत ही टेस्टी लंच होता है ये। आप बनाकर देखिए और खाइए, आपको लगेगा कि हमने तो कुछ खाया ही नहीं, बहुत ही कम कैलोरी वाला खाना है ये। मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद।